करिए जब हम आपके लिए कोई रिव्यू लेकर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नए साल पर बोरिंग कंटेंट देखना कितना उफ हो सकता है। तो बस आज का ये रिव्यू है आपके लिए। बात करेंगे वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, एमिली इन पेरिस सीजन 3 की। तो सीजन 2 एक बड़े ही दिलचस्प मोड पे ख़त्म होता है। आप सोचते रह जाते हो कि क्या एमिली वापस अमेरिका शिकागो चली जाएगी या पेरिस में रह जाएगी। एंड सीजन 3 इसी सवाल के जवाब के साथ ओपन होता है। हमें पता चलता है कि ऑफ कोर्स एमिली पेरिस में ही रुकेगी, बिकॉज द सीरीज इज कॉल्ड एमिली इन पेरिस। एमिली को अपनी लाइफ पेरिस में जीनी है, उसे यहाँ के दोस्त बहुत पसंद आ गए हैं। उसका यहाँ एल्फी नाम के एक ब्रिटिश के साथ अपना रोमांस भी शुरू हो गया है, एंड शी हैज दिस न्यू बॉयफ्रेंड। एमिली इन पेरिस सीजन 3 में जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इट इज़ सिमिलर टू जो सीजन 1 और सीजन 2 में थी, उनके जो थी उनके जो कैरेक्टर्स बिल्ड हुए थे 1 एंड 2, जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग सीजन्स हैं उसी को उन्होंने पकड़ के रखा है और उसी को आगे बढ़ाया है और डेंस बनाया है। और कहीं ना कहीं लेकिन शायद कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ी कमी थी। ड्रामा, फन, एक्शन सब कुछ फुल ऑन है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं आई किसी भी कैरेक्टर में। जो जैसा था वो वैसा ही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एमिली इन पेरिस एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फन और फैशन पे फोकस करते हो। और इसी नोट पे मैं कटरीना और आलिया के फैंस को बताना चाहती हूँ कि आपको भी ये सीरीज़ देखनी चाहिए जाके, बिकॉज आलिया और कटरीना ने पहले जो कपड़े पहने हुए हैं, स्टाइल किए हुए हैं, वही इस सीरीज़ में किसी फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं कुछ कैरेक्टर्स पे। सो गो एंड वॉच द सीरीज़ एंड फाइंड आउट। एमिली इन पेरिस एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हर एक एलिमेंट है, चाहे आप मान लो फूड, फैशन, लव, रोमांस, मार्केटिंग, कैंपेनिंग, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, आज के डेट में जो भी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं वो सब कुछ एक साथ पैक होके आपको इस शो में मिलेगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीजन 3 के एंड में उन्होंने सीजन 4 की कहानी क्या हो सकती है इसके थोड़े से हिंट्स भी ड्रॉप किए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सीजन 1 और 2 से थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, सो इसलिए मैं उसे दूंगी 3 स्टार्स। ABP News, आपको रखे आगे।